असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा ने आज फिर कहा कि कोई भी मदरसा या धार्मिक संस्थान यदि देश विरोधी कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मदरसों और धार्मिक संस्थानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के इस कदम को स्थानीय लोग भी स्वागत कर रहे हैं। दूसरी ओर अतिक्रमित मदरसों के बच्चों को उनके अभिभावकों की अनुमति से सरकारी स्कूलों में दाखिला किया जाएगा। This is the second madrasa we have evicted because of the fact that those institutions were not running at madrasa but as a terrorist hub. I don't want to generalize anything. Whenever we'll get complaint, we have closed down government madrasa. We are evicting madrasa wherever there is a complaint of fundamentalism is there. But I don't want to discuss in general terms. Already kids have been admitted in the general schools. Already we have taken parents into confidence. They are already admitted in the general schools. And parents and communities are very happy. If you see all the TV bites the local community is giving, they are all giving in support of the government. आज बरपेटा में ऐसे ही एक मदरसे पर बुलडोजर चलाने के बाद मुख्यमंत्री की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। सैफुल इस्लाम नामक एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने आज जमीउल हुदा इस्लामिक अकादमी नामक मदरसे में बुलडोजर चलाया। यह दूसरा मदरसा है जिसे आज बुलडोजर के सहारे तोड़ दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि कौमी मदरसों में सुधार के लिए सरकार समुदाय के साथ मिलकर काम कर रही है। जल्द ही ऐसे मदरसों में सकारात्मक बदलाव देखा जाएगा। Private madrasas are not abiding by the private institutions law. So any policy changes. There are certain exemption, Article 29 and 30 gives to them. But we are working with the community. Madrasa institutions are working with government. In Assam, they have assured us that whatever government will make rule, they will abide by that. So we are reforming madrasa, taking the community in confidence, and at the same time we have closed down 700 plus government madrasa. Ye thora sa madrasa ka imam ka naam mein ya janab ka naam mein kuch inflation hua hai aur uske liye hum community se baat chit kar raha hu ki isko hum log ko clean karna hai. Wo log humko pura madad kar raha hai aur hamara vishwas hai ki with the help of the community hum log इस सिस्टम को क्लीन कर दूंगा। सर, आपने जनरल एजुकेशन के पक्ष में भी सवाल उठाए थे मदरसे में, उसमें भी अच्छा बातचीत चल रहा है, अच्छा रिफॉर्म आप लोग को देखने मिलेगा। इनफैक्ट असम विल बी एग्जांपल, सारे लोग हमारा साथ बातचीत कर रहे हैं, उसमें स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कल्चर सारे बात हमारा हो रहा है। और इससे पहले आज बरपेटा के ढाकालियापाड़ा जमीउल हुदा इस्लामिक अकादमी में प्रशासन का बुलडोजर चला। इस निजी मदरसे में काफी समय से जिहादी गतिविधियां चलाई जा रही थी। मदरसे में शिक्षक के तौर पर काम कर रहे बांग्लादेशी आतंकी समूह अंसारुल बांग्ला का सदस्य सैफुल इस्लाम अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था।